नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके लिए बड़ी खबर है और ये खबर है शराबबंदी से जुड़ी हुई। आपको पता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इसको सफल बनाने के लिए नीतीश सरकार ने एडी छुट्टी का जोर लगा दिया है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी के विरोध में हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, याचिका दायर कर चुके हैं। तो बिहार में शराबबंदी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और इनमें से एक याचिका इंटरनेशनल रिपरिट एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से दायर किया गया है, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो जो शराब निर्माता कंपनियां हैं वो काफ़ी दुखी हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर। उन्होंने याचिका दायर कर रखी है और इसके संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। तो सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। पटना हाई कोर्ट में इसी मुद्दे में दायर याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया है। तो सोमवार को न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की पीठ ने कहा कि इस कोर्ट के समक्ष समान मुद्दे विचारार्थ लंबित हैं, इसलिए उचित होगा कि हाई कोर्ट में दायर दूसरे रिट याचिकाओं को भी यहां ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी सभी शराबबंदी से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की शीर्ष कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन याचिकाओं में बिहार मद्य निषेध एवं आबकारी अधिनियम 2016 की वैधता को लेकर सवाल उठाया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में निर्धारित की है, तो उसके पहले सरकार को जवाब दे देना है। आपको पता है कि शराबबंदी कानून के कारण राज्य की अदालतों में बहुत ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं। राज्य सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार इस कानून के तहत 3,48,170 मामले दर्ज किए गए हैं और 4,01,855 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कई हजार लोग जमानत की याचिकाएं दायर किए हुए हैं। तो जमानत याचिकाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उस पर सुनवाई की वजह से दूसरे मामलों की सुनवाई ही नहीं हो पा रही है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है, बिहार सरकार भी चिंतित है और बिहार सरकार शराब मामले में अदालतों में बढ़ रहे मुकदमों को देखते हुए मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी भी कर रही है। तो हो सकता है, तैयारी के बारे में आप पहले बता चुके हैं कि जो संशोधन होगा उसके अनुसार अब शराब पीने वाले अगर पकड़े जाएंगे तो अधिकारी उनको फाइन करके वहीं से छोड़ सकते हैं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो जो भी शराब पीने के आरोप में पकड़े जाते हैं वो गिरफ्तार होते हैं, उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है जमानत के लिए और इतने ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं कि कोर्ट के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। तो बिहार सरकार भी कोशिश कर रही है कि संशोधन किया जाए और जो भी शराबी पकड़े जाएँ उनको जो अधिकारी हैं जुर्माना वसूल कर छोड़ सकें, जमानत दे सकें।